जी हाँ नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जी माता पिता की सीख ने समाज सेवा की शुरुआत तो कराने का मौका दिया, वहीं कहीं ना कहीं माता पिता के उन आशीर्वादों ने बना दिया पुत्र दयानंद शुक्ला को एक बहुत बड़ा समाज सेवक। और समाज सेवक से उभरते हुए उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के नाम से आज जाने जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं शीला दीक्षित की सरकार को लेकर के यूपीए की सरकार में जो उन्होंने जनसेवा किया, अब तक इस देवब्रज जनसेवा संस्थान के माध्यम से उत्तर प्रदेश की धरती पर लगभग 70,000 से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं। वहीं इस कोरोना की इस महामारी में उनके संस्था ने लगातार दिल्ली के हर गली मोहल्ले में जा करके राशन किट का वितरण किया, और वहीं लगातार कम से कम 1,000 लोगों को रोज़ाना भोजन वितरण करने का काम भी किया गया है। जी हाँ, उनके दिल्ली के कार्यभार संभाल रहे थे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जितेंद्र मीना। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी जनसेवा है, ये देव ब्रज जनसेवा संस्थान की। तो आइए हम मुलाकात करेंगे आज जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष दयानंद शुक्ला से और उनके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जितेंद्र मीना से। क्या कुछ कहते हैं आइए सुने। और इसकी स्थापना हम लोगों ने 2012 में किया, और 2012 में करने के बाद, चूँकि उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की सरकार होने के नाते मुनियप्पा साहब लघु सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय में थे भारत सरकार के। नमस्कार। उस मंत्रालय के माध्यम से हमने इस एनजीओ का कार्य उत्तर प्रदेश में करना उचित समझा, जो हमारा गृह जनपद है। इसलिए कि इस जो एनजीओ भी है, ये देव ब्रज जन सेवा संस्थान नाम इसलिए रखा गया कि मैं अपने मम्मी और पापा के नाम पर इस एनजीओ को बनाया। हमारे पिताजी का नाम था श्री देव नारायण शुक्ला और हमारी माँ का नाम था श्रीमती ब्रज रानी शुक्ला। तो हमने अपने मम्मी और पापा के, हमारे मम्मी पापा दोनों लोग थे उस समय, और अब पिताजी तो अब नहीं है लेकिन मम्मी अभी भी हैं, तो इन्हीं के सानिध्य में, इनकी देख रेख में मन में एक भाव आया, मन में एक विचार आया कि हम क्यों ना समाज की सेवा करें। और समाज की सेवा करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता चाहिए कि समाज की सेवा किस माध्यम से करें। तो हमने इस संस्था का सहारा लिया और अपने मम्मी पापा के ही नाम पे देवब्रज जन सेवा संस्था बना के इसको रजिस्टर्ड कराया। रजिस्टर्ड करा करके इसकी कमेटी बनाई बाकायदा, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े भी, और भारत सरकार से हमें अनुदान भी समय समय पर मिलता रहा, जिससे कि हमने लाखों नहीं करोड़ों रुपए की हमारी एक अपनी निजी जो संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, जो लखनऊ से फैजाबाद जाते हुए नेशनल हाईवे पे ही एक निर्मल कुटिया नाम पे मैंने बना के रखा था, जो मेरी अपनी ज़मीन थी और अपना खुद हमारे नाम है वो, उसको मैंने संस्था के लिए समर्पित भी कर दिया। पूरा का पूरा अपना जो फार्म हाउस है या जो हमारा वो घर है, करीब 12,000 स्क्वायर फुट में है, उसको हमने बनाया बिल्डिंग को, और बिल्डिंग को बना करके उसमें बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े कमरे, तमाम सारा चीज़ें बना करके उसमें हजारों की संख्या में हमने बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर और सिलाई कढ़ाई ट्रेनिंग सेंटर, ऐसे भारत सरकार के सहयोग से उस संस्था को हमने चलाया, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि 50,000 से ऊपर, करीब 70,000-72,000 लोग उससे लाभान्वित हुए, उनको लाभ मिला। और उन लोगों को हमने अपने ही घर में बैठा करके सिलाई कढ़ाई सिखाई और कंप्यूटर सिखाया, मोबाइल सिखाया, और वो सब सिखाने के बाद उन लोगों को हमने सर्टिफिकेट भारत सरकार के द्वारा दिया। उसके साथ साथ जो बच्चे गरीब परिवार से थे, ऐसा चिन्हित किया जिनमें से अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, ऐसे डिस्ट्रिक्ट से लोग आते थे, उन लोगों के आने का और वहाँ समय देने का हमने वजीफा भी उनको दिया। जो उनका श्रम हुआ उसका पैसा दिया, पैसा दे करके एनजीओ को हमने चला करके फिर इधर 2014 तक हमारी एनजीओ चली। उसके बाद समाज की सेवाएं तो हम करते रहे, हमारी संस्था करती रही,
बहुत सारे लोगों के बीच में जा करके हम काम करते थे। जैसे कोई आपदा आ जाए, जिस तरह से कोई बाढ़ आ जाता है, कोई भूकंप आ जाता है, और जैसा अभी कोरोना आ रहा है, तो देखो हमारे जितेंद्र हैं, सुरेश चंद तिवारी हैं, ये जैसे कि संदीप अग्रवाल जी हैं, कि अभी हमारा कर्नाटका में बहुत बड़ा काम चल रहा है इसका। कोरोना जिस दिन से शुरू हुआ, उस दिन से कर्नाटका में हमारा, वहाँ के डीसी साहब ने हमें लेटर भी लिख के भेजा है कि एनजीओ ने बड़ा अच्छा काम किया। हमारी संस्था ने अभी कोरोना काल के अंदर भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और दिल्ली के कई जगह पे, जैसे आपका प्राचीन हनुमान मंदिर, वसंत कुंज के अंदर जितनी झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पे खाना वितरित करा और राशन के किट वितरित करिए। तो क्या सर, आपकी जो संस्था है, ये इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है, या कौन आपको फंडिंग करता है, कहाँ से होती है, जुटाते कहाँ से आप? हमारी संस्था रजिस्टर हुई थी तब हमने फंडिंग, तब सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिली थी, परंतु वर्तमान के अंदर हमारी संस्था जो है वो सेल्फ फंडिंग जुटा रही है। मतलब हमारे मित्रगण और कुछ जो समाज सेवी है उनकी तरफ से कुछ योगदान मिलता है, उसी के माध्यम से हम कार्य करते हैं। तो अभी तक आप कितने लोगों को भोजन वितरित करा चुके हैं, और क्या क्या आपने राशन की किट में क्या क्या दिया लोगों को? सर, कोरोना काल के अंदर जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था, हमने लगभग रोज़ हमारा 1000 लोगों को भोजन वितरित करने का कार्यक्रम चला, और राशन की किट हमने उन इलाकों में प्रोवाइड कराई जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी थी, जहाँ मतलब लोग रह रहे हैं, उनके पास बनाने के साधन है परंतु कच्चा सामान अवेलेबल नहीं था। उसके अंदर हमने 1 लीटर सरसों का तेल, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 3 प्रकार की दाल, नमक और अन्य मसाले प्रोवाइड कराए। तो ये आपने कैसे रेगुलर प्रोवाइड कराते थे या ऑल्टरनेट डेज पे देते थे, कैसे देते थे? राशन किट तो हम हर 10 दिन के अंदर हमने प्रोवाइड कराई, बाकी भोजन जो गरीब मजदूर बेसहारा लोग थे, इनके लिए हम रोज़ भोजन अवेलेबल करवाते थे। कौन कौन सी जगह पे कराते थे और क्या टाइमिंग रहती थी उसकी? सर, हमारा मुख्य केंद्र जो था वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन था, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी थी जिसको सरकार की तरफ से मदद नहीं पहुँच पा रही थी। वहाँ पे कार्य करने वाले मजदूर, गरीब लोग जो काफ़ी संख्या में वहाँ मौजूद थे, तो लगभग दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक हमारा वहाँ पे खाने का प्रोग्राम चलता था, जिसके अंदर हमने सभी को वहाँ पे भोजन उपलब्ध कराया।